staring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost, what I loved and what I lost. But let's अस्सलामुअलैकुम, हेलो वीवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हक नवासान व्लाग में आपको एक बार फिर खुश आमदीद, बहुत सारा प्यार। आज का व्लाग होने वाला है बहुत मज़े का और इंटरेस्टिंग। आज मैं मौजूद हूँ अपने फूफो के गांव में और ये है पहाड़ी इलाका। बहुत मज़े का व्लाग होगा आज वीवर्स। और ये देखें, ये पीछे पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे पहाड़ हैं। ये बैकग्राउंड में देखें, ये सारे पहाड़ हैं। बहुत मज़े का व्यू है यहाँ पर। और यहाँ पर आज मेरा एक फोतकी हुई हुई थी तो वहाँ पर आया हूँ, तो मैंने कहा अपनी फूफो के घर से भी होके जाऊँ। तो ये देख रहे हैं, ये सारा पहाड़ी इलाका है, ये पीछे पहाड़ हैं सारे व्यूवर्स। और आज का व्लॉग होगा बहुत मज़े का। तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के मज़े के व्लॉग मैं आपके लिए बनाता रहूँ और आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं व्यूवर्स। टाइम हो गए हैं 11 के और पहाड़ी इलाका है, बहुत ही प्यारा, वो पीछे पहाड़ है। तो आए उजीद, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दिखाते हैं। तो व्यूवर्स ये देख लें आप, ये पहाड़ी इलाका है सारा, सूरज निकला हुआ है और हल्के हल्के बादल हैं, सूरज भी है साथ में। और ये पहाड़ हैं, बहुत ही प्यारा मंजर है। ये नीचे खेते हैं और यहाँ का बिल्कुल देहाती माहौल है गांव का। तो ये पहाड़ हैं, तो आए थोड़ा सा अंदर चलते हैं। यहाँ पर फूफो की गायें और बकरियाँ हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लें जी व्यूवर्स, ये हैं बकरियाँ, ये हमारी बकरी है ये वाली, और ये इधर हमने छोड़ी हुई है पप्पो के घर। ये देख लें, ये हमारी बकरी है व्यूवर्स, ये और ये भी साथ। और वो देखें, ये गाय है, इसने अभी बच्चा दिया है इस गाय ने, ये वाला, ये बच्चा दिया है इसने, ये छोटा सा। ये देखें, ये छोटा बच्चा है, बहुत ही प्यारा है। ये है बच्चा, ये भी बच्चा है व्यूवर्स, ये भी बच्चा है। ये गायें हैं, ये इन्होंने रखी हुई हैं। तो आए मुर्गी ने बच्चे निकाले हैं, वो भी दिखाते हैं। ये व्यूवर्स, ये बच्चे हैं मुर्गी ने निकाले हुए हैं, ये छोटे छोटे, ये देखें घुमा रही है इनको। और बहुत ही मज़े का मस्त ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे। ये गायें मारती है, नज़दीक नहीं जाने देती। क्या हाल जी, कैसे हो? ये देखें, ये चेक कर रही है। हाँ हाँ हाँ, ये व्यूवर्स, ये चेक कर रही है। ये व्यूवर्स इसका बच्चा है, ये लें जी मेमा है छोटा सा, बहुत ही प्यारा। ये देखें, आहा, ये लें जी माशाल्लाह, ये लें जी, ये भी छोटा है, सही खड़ा भी नहीं हो सकता। ये इसका बच्चा है, ये दूध पिएगा। और ये मुर्गी के बच्चे भी हैं, ये देखें, ये मुर्गी हमें लिफ्ट ही नहीं करा रही। ये बच्चे देखें माशाल्लाह, ये बच्चे हैं इसके 10-12 व्यूवर्स। ये मेरा दिल करता है इसको, इसके साथ ही रहूँ, इसको साथ ले जाऊँ। ये देखें बहुत ही प्यारा है, ये लें जी माशाल्लाह, अम्मा जान ला प्यार कर रही हैं अपने बच्चे से। एक ये बच्चा है और एक वो गाय का बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चे ही बच्चे, मुर्गी के बच्चे यहाँ पर। ये देखें जी माशाल्लाह, उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। तो व्यूवर्स ये चेक करें, ये सारे पहाड़ हैं माशाल्लाह, खूबसूरत खूबसूरत से। और यहाँ पर पहाड़ हैं ज़्यादा और ये पहाड़ी इलाका है। ये देखें कितनी खूबसूरती है माशाल्लाह, ये लहे भी पहाड़ हैं। और ये चेक करें व्यूवर्स, ये लें इधर घर हैं, उधर सारे पहाड़ हैं व्यूवर्स। ये सारा भी हमारी, मेरी पप्पू का ही घर है, ये वाला, ये वाला, ये सारा। ये लें जी व्यूवर्स, ये है रास्ता बना हुआ है, ये छोटे से इन्होंने बाग लग बनाया हुआ है अपना ही। ये है लुकाट और मुख्तलिफ हैं। तो ये तंदूर है, यहाँ पर बनाते हैं ये रोटियाँ, तो ये तंदूर है। और ये है हमारी फूफो का घर, यहाँ अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये मैं आ गया हूँ अंदर, ये देखें, ये है घर, ये लें, यहाँ पर बनाते हैं ये खाना। ये देखें व्यूवर्स, ये यहाँ पर बनता है खाना। ये है किचन, ये छोटा सा किचन है, देख लें गांव का जिस तरह का होता है।
वीवर्स, अभी टाइम है जनाजा जो है वो 3 बजे है, तो मैं अपनी पप्पो के घर में हूँ, बैठा हूँ और अब चाय आ गई है तो चाय पियेंगे वीवर्स। ये देखें ये दूध पत्ती, गाय की दूध की चाय है, सही देसी चाय, माशाल्लाह पीते हैं। वीवर्स मज़ा आ गया जी, आपने भी पीनी है तो आ जाएं, बहुत प्यारी चाय बनी हुई है वीवर्स। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं फिर चलेंगे बाहर, आपको व्यू दिखाऊंगा बाहर का। देखें ये गायें आ गई हैं चुपकर, और ये जाती हैं इन पहाड़ों पर घास खाकर, सुबह जाती हैं, इस टाइम आ जाती हैं। ये देखें ये इनका जा रहा है लश्कर, ये लश्कर है इनका माशाल्लाह। और मैं जाऊंगा वो सामने पहाड़ पर, मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी पहाड़ी, ये बहुत ऊंची पहाड़ी है व्यूवर्स, ये देखें ये सारे पहाड़ हैं और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है यहाँ का। और आज मैं आया हुआ था अपनी पप्पो के गांव, जैसा कि मैंने आपको बताया, और मैं अब चलता हूँ वो आगे वहाँ पर, तो आपको जाके दिखाता हूँ वहाँ का नज़ारा और व्यू। व्यूवर्स ये चेक करें, ये सारा टाका है, पहाड़ है, इसको हम अपनी जबान में टाका कहते हैं, और ये पहाड़ है सारा, ये देख लें। ये बहुत ही गंदा किस्म का रास्ता है व्यूवर्स, बहुत ही समझ लें कि ख़तरनाक और गंदा रास्ता है, ये कच्चा है, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं बहुत मुश्किल से, यहाँ पर कई हादसे भी हुए हैं, ये बहुत लंबा चढ़ाई है, ये चढ़ते जाते हैं पहाड़ पर। ये देखें ये सारे पहाड़ हैं, ये देखें ये कितना प्यारा व्यू है यहाँ का व्यूवर्स, सामने देखें व्यूवर्स, ये व्यू चेक कर लें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा व्यू, मैं काफ़ी ऊपर आया हुआ हूँ, और वो सामने पहाड़ देखें, वो सामने वो घर हैं, और वहाँ पर रोड है, वहाँ से चलकर आना पड़ता है, गाड़ियाँ जिनके पास हों गाड़ियों पर वैसे पैदल। और ये देखें ये सामने पहाड़ है, ये देखें और वो देखें, सारा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंज़र है यहाँ का। तो थोड़ा मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू खूबसूरत सा। बस ये मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है और ऊपर जाने की। ये देखें ये पहाड़ है, और ये बीच में से पहाड़ों का रास्ता जा रहा है, कोई गांव ऊपर गांव है वहाँ। और ये देखें सारी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती है यहाँ पर, और बहुत ही प्यारा इलाका है, यहाँ के जो लोग हैं वही ये रास्ता इख्तियार करते हैं, जाते हैं आते हैं, हम शहरी बच्चे यहाँ पर नहीं रह सकते, मुश्किल है यहाँ की ज़िंदगी। ये देखें सिर्फ घूम फिर सकते हैं, बस चेक करें, बस ये देख लें, ये बहुत ही प्यारा, मैं एक बहुत ही पहाड़ के किनारे पर खड़ा हूँ, और ये व्यू चेक कर लें, बहुत ही प्यारा व्यू माशाल्लाह। और यहाँ पर हम नहीं कामयाब शहरी लोग, यहाँ पर पहाड़ों के लोग ही मजबूत हैं, और वो ही आते हैं यहाँ पर, हमारी बस की बात नहीं है। व्यूवर्स ये मेरे पीछे बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा माहौल बना हुआ है, और सूरज भी है और बादल भी आए हुए हैं, तो 2-3 दिन से यही मामला चल रहा है, बादल और सूरज मिक्स हैं, दुआ करें बारिश हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए थोड़ा सा। ये मेरे आप बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा इलाका है हरिपुर का, ये खूबसूरत देहात है, पहाड़ी इलाका है, और यहाँ की आबो हवा बिल्कुल फ्रेश एकदम, बहुत ताज़ी, और पानी बिल्कुल ज़बरदस्त हल्का पानी है, बंदा पिए तो टैट हो जाता है वो, और यहाँ का पानी बहुत मीठा और ज़बरदस्त पानी है। और ये देखें पहाड़ी इलाके का जो पानी होता है ना व्यूवर्स, पहाड़ी इलाके का वो बहुत ज़बरदस्त पानी होता है, और वो क्लास का पानी होता है। ये चेक करें ये मेरे बैकग्राउंड पे सारे पहाड़ हैं, मैं पहाड़ की चोटी पर खड़ा हूँ व्यूवर्स, ये देख सकते हैं, और वो जो नज़र आ रहा है आपको तो नज़र नहीं आ रहा होगा व्यूवर्स, वो वहाँ पर रोड है, वहाँ से यहाँ पैदल चल के आना पड़ता है, काफ़ी लंबा रास्ता है, जिनकी गाड़ियाँ या बाइक हैं वो उनके लिए तो ईजी है, और जो पैदल आते हैं गर्मियों में, ख़ासतर गर्मियों में, तो वो बिल्कुल ही बेचारे मेरे जैसे आए तो वो बस बीमार हो जाए यहाँ तक। तो ये देख लें ये टाइम हो गया तकरीबन 12 का, और मैंने कहा आपके साथ ये थोड़ा सा पहाड़ का व्यू शेयर करूं, ये मैं बहुत ही प्यारी क्लास जगह पर मौजूद हूँ, ठंडी यख ताज़ी हवा है, और ऐसे लगता है यहाँ पर कोई नहीं है, बिल्कुल लुगी जगह है वीरान। ये देखें ये माशाल्लाह ये सारा पहाड़ चेक करें, वो पीछे सारा पहाड़ है। तो आए मज़ीद थोड़ा आगे चलते हैं और आपके साथ यहाँ का शेयर करते हैं माहौल। तो व्यूवर्स ये देखें गांव का देसी माहौल बिल्कुल ज़बरदस्त, ये लकड़ी आप तंदूर में डल चुकी हैं, अब ये गर्म होगा फिर रोटियां पकाई जाएंगी इस पर, तो आए मैं भी थोड़ा सा मज़े लेता हूँ तंदूर के साथ।
व्यूअर्स, ये देखें जी, ये गांव का देसी माहौल है। ये लकड़ी इस तरह डाली जाती है और इस तरह ये देखें, बड़ा मुश्किल काम है। अरे ये देख लें, मैंने कहा मैं भी ट्राई कर लूँ। ये देखें, ये आग लगी हुई है और लकड़ियाँ जल रही हैं। अब ये गर्म होगा नज़दीक है, ये देख लें। ये लें जी, आज बड़ी मेहनत मशक्कत हो रही है व्यूअर्स, और मेरा इरादा है तंदूर पर रोटियाँ भी लगाऊँ आज और आपके साथ शेयर करूं। तो ये लकड़ियाँ तो मैंने जला ली हैं, तंदूर भी मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं स्टाफ, तो उम्मीद करता हूं आपने लाइक किया होगा। देखें जी, ये है मकई का आटा, आज बनाऊंगा मैं इस तंदूर पर मकई की रोटी। चलें जी शुरू करें भी, बस आ जाएँ। बिस्मिल्लाह, आपने भी बनाना है तो आए, आज ट्राई करते हैं सारे मिल के। ये देखें जी व्यूअर्स, व्यूअर्स आज मैं बनाऊंगा अपने लिए खुद मकई की रोटी और ख़ुद ही खाऊंगा। आपने बताना है कि मैंने रोटी कैसी बनाई है। व्यूअर्स ये है मकई की रोटी, बनानी ज़रा मुश्किल होती है, तो ट्राई अगैन, नो प्रॉब्लम। व्यूअर्स बस इतनी बन रही है, मुझसे बार बार टूट जाती है, क्या करूं, बनाऊं या छोड़ दूं। चलो भाई बनाते हैं। की पर मुझसे रोटी नहीं बनी, तो हम एक ही काम करेंगे, खाएंगे कैसी बनी है चेक करके बताएंगे आपको। मैंने बहुत कोशिश की है कि बन जाए, लेकिन मुझसे नहीं बनी। तो अब रोटी बन रही है, फिर वो रोटी जो बनेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, सिर्फ हम खा के चेक करेंगे, बाकी मज़ीद हमसे कोई काम नहीं हो रहा जी। मैंने कोशिश की है कि बन जाए पर नहीं बनी, अब लगे हुए बनाने के लिए। तो बन जाएगी मकई की रोटी, फिर आपके साथ शेयर करेंगे और आज मकई की रोटी खाएंगे, और बहुत लज़त होती है यहाँ की मकई की, तो खा के आपको जायका टेस्ट चेक कराएंगे कैसा था। व्यूअर्स बहुत रोटी नहीं बनी, अब एक और काम मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे चावल बना रहा हूँ मैं, ये पुलाव वाले, और यहाँ पर मैंने रख दिए दमे पर लगा के, और ये देखें ये मटर आलू, ये चावल बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, ये बन जाएंगे और फिर खा के आपके साथ भी शेयर करेंगे इसका जायका। ये देखें जी, ये देसी बन गए चावल जो यहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। ये मुर्गी है और साथ में पुलाव वाले चावल है, मटर है, आलू और ये सलाद है। तो अब इसका टेस्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं ये कैसे बने हैं। ये भी बस अभी चेक करते हैं, सलाद भी डालते हैं ऊपर और देखते हैं इसका जायका कैसा है, फिर आपके साथ शेयर करूंगा इसका जायका। प्याज तो मैं खाता नहीं हूँ, ये टमाटर डालते हैं ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम है गरम। चस आइए ऐसे पूरे, ये देखें, आ हा हा, बस अभी ये मैं खा लूँ चावल, तो फिर मज़ीद गुफ्तगू बाद में करेंगे, अब भूख लगी हुई है, ये खा लें, इसके बाद इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। तो रेस्ट को खाते हैं, बस खाना खा के आपने देखा मैं चला गया था जनाजा पढ़ने, तो मैं काफ़ी हाइट पर आया हुआ था। व्यूअर्स ये देख लें आप, मैं काफ़ी हाइट पर हूँ, अब नीचे उतर रहा हूँ, तो ये आप अंदाज़ा लगा लें मैं हूँ काफ़ी हाइट पर मौजूद। ये पीछे पहाड़ हैं, वो पीछे घर हैं, देख लें घर, थोड़ा सा आपको करीब लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, व्यूअर्स पसीना आया हुआ है बहुत, वो ऊपर देखें घर आपको नज़र आ रहे होंगे शायद, वहाँ पर घर हैं, बहुत ऊँचा ऊँचाई थी। तो अब मैं नीचे उतर रहा हूँ व्यूअर्स, और ये पीछे बैकग्राउंड है, तो आए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको दिखाता हूँ यहाँ का। ये देख लें, ये है पहाड़ हैं सारे, और वो ऊपर घर हैं बिल्कुल ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर, ये देखें। अब मैं यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ व्यूअर्स, ये अब मैं जा रहा हूँ नीचे, और बहुत वीरान जगह है, ये देखें व्यूअर्स, सारा जंगल ही जंगल है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, और मैं यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ व्यूअर्स। तो आए चलते हैं, नीचे उतरते हैं
थोड़ा थोड़ा वक्फे वक्फे से आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। ये देखें, ये सारा ब्यूटीफुल जगह है व्यूअर्स, ये देख लें। मैं वो ऊपर उधर से आया हूँ नीचे, ये देख लें आप, वहाँ पर से ऊपर और नीचे आ गया हूँ। अब तो अब जा रहा हूँ पप्पो के घर, वहाँ पर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर व्यूअर्स जाएंगे। ये रास्ता है, ये देख लें, सारा जंगल है। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। ये देख लें, ये सारा जंगल है व्यूअर्स, ये देखें सारा दरख्त ही दरख्त, कुछ नज़र ही नहीं आता, सिर्फ रास्ता है। ये देख लें व्यूअर्स, यहाँ पर तरह तरह के जानवर हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। इलाका बहुत खूबसूरत है, तो आए चलते हैं मज़ीद आगे। तो व्यूअर्स वो ऊपर था मैं मौजूद, ऊपर से आ गया हूँ नीचे, अब जा रहा हूँ पप्पो के घर। और धूप भी निकली हुई है, सही सूरज गर्म है, तपिश है, गर्मी आई हुई है। और ये देख लें आप पीछे पहाड़, वो ऊपर था मैं व्यूअर्स, वहाँ से नीचे आया हूँ। और ये सारे देखें आप, मेरे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, वो नज़र आ रहे होंगे। ये भी देख लें, वो ऊपर था मैं व्यूअर्स, वो ऊपर वहाँ से आया हूँ और अब जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग पसंद आएगा। और ये इलाका भी ये देख रहे हैं व्यूअर्स, सारा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और आबो हवा बहुत प्यारी है यहाँ की व्यूअर्स, मज़ा आता है। तो अब तो मैं जल्दी जल्दी में आया हूँ, तो वापस जा रहा हूँ इंशाल्लाह। बहुत जल्द मैंने इरादा किया हुआ है, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर एक आबशार है वो दिखाऊँगा आपको। पानी आता है कुदरती तौर पर, ये पहाड़ देखें, ये वहाँ तक गए थे हम और वहाँ से नीचे आए हैं। तो अब जा रहा हूँ पप्पो के घर, इंशाल्लाह वहाँ पहुँच कर मज़ीद आपसे बात करूँगा। तो मैंने सोचा ये थोड़ी सी खूबसूरती आपके साथ शेयर करता चलूँ, बहुत ही वंडरफुल प्लेस है, अच्छी जगह है, तो मैंने तो इन्जॉय किया, आप भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आए चलते हैं मज़ीद आगे और आपसे बात शेयर करेंगे यहाँ की ब्यूटी। तो व्यूअर्स जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको सैर करवाई हरिपुर के बहुत ही खूबसूरत गांव की, और ये है देहाती इलाका पहाड़ी। और मैं अब पहुँच आया हूँ अपनी पप्पो के घर, ये माल मवेशियों का घास पड़ा हुआ है। और वो पीछे मैंने आपको दिखाए थे वो गायें जो बच्चा दी है जिसने, वो खड़ी हुई है, उसका बच्चा बैठा हुआ है। और ये कमरे हैं जहाँ पर इनको रखते हैं सर्दियों में अंदर, और बहुत ही प्यारा इन्होंने कच्चे मकान बनाए हुए मिट्टी वाले, ठंडे हैं गर्मियों में ठंडे, सर्दियों में गर्म होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपने पसंद किया होगा, मैंने आपको जहाँ जहाँ तक दिखा सकता था इस इलाके की खूबसूरती वो मैंने आपको दिखाई, और आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, मैंने तो किया, आप भी करेंगे। तो टाइम हो गए हैं अब 4:30 के, और अब जाना है घर की तरफ भी, हरिपुर वापस जाना, ये हरिपुर से तकरीबन 3 घंटे दूर है। और इंशाल्लाह घर जाना है, जल्दी जल्दी पहुँच जाए अंधेरे से पहले, तो कोशिश यही है। तो अब यहाँ से करते हैं एंड, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। और मुझे वही मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के मज़े के व्लॉग मैं आपके लिए बनाता रहूँ और आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। आज भी मैंने बहुत मेहनत की अपने व्लॉग में, आपको बहुत खूबसूरत प्लेसेस दिखाई हैं, व्यू दिखाए हैं, पहाड़ दिखाए हैं, और यहाँ का माहौल दिखाया है जो है। आपने देखा मैंने रोटी भी पकाई है मकई की और चावल भी बनाए। और उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप पसंद करेंगे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। और आज मैंने मज़ीद मेहनत की है अपने व्लॉग में, आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरे लिए दुआ कीजिए, दुआ करें कि मैं मुझे अल्लाह पाक कामयाबी अता करे आप लोगों की वजह से। और मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, आपकी जो मुश्किलें हैं वो हल हों, मुश्किल परेशानियाँ हल हों। तो बहुत जल्द एक नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।